नमस्कार, स्वागत है आप लोगों का फिर से हमारे YouTube चैनल पर आने का। दोस्तों, आज मैं फिर से आपके सामने लेकर के आया हूँ TMD 101, जो कि दोस्तों मैंने अपने पिछले वीडियो में इसका अनबॉक्सिंग का भी बना रखा हूँ, ठीक है, और इसके बारे में पूरा डिटेल्स मैंने बता रखा है कि कितने प्राइस का है, इसमें क्या क्या फंक्शन है। तो दोस्तों, आज जो है मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि कैसे आपको TMD 101 यूज करना है। तो दोस्तों, अगर आप जो है हमारे YouTube चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, और बेल आइकन को भी क्लिक कर लीजिए, जिससे कि हमारे नए वीडियोज का आपको अपडेट सबसे पहले मिले। और दोस्तों जो है, अगर आपने TMD 101 का अनबॉक्सिंग का वीडियो नहीं देखा है तो आप जाकर हमारे चैनल पर देख सकते हैं इसका अनबॉक्सिंग का वीडियोज और इसके प्राइस के भी बारे में, ठीक है दोस्तों। तो चलते हैं दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं कि कैसे आपको TMD 101 यूज करना है। हाँ, तो दोस्तों अब जो है मैं मशीन को ऑन करता हूँ, आप खुद देख सकते हैं कितना इजी टू यूज मशीन होता है दोस्तों। TMD 101 जो कि $699 का है, मतलब एक कम $700 का है दोस्तों। तो इंडिया में आकर के ये, इसमें इंडिया में अगर आप मंगाएंगे तो कस्टम चार्जेस लगता है, GST लगता है, तो और फ्रेट चार्जेस लगते हैं, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर आकर के थोड़ा एक्सपेंसिव हो जाता है। और मैं अब मशीन को ऑन करता हूँ, और ये दोस्तों फुल वाटर प्रूफ मशीन है, और इसमें सेल लगाने की जरूरत भी नहीं पड़ती दोस्तों। ये 3400 mAh की जो है इसमें बैटरी होती है, जैसे फोन आप चार्ज करते हैं वैसे सेम टू सेम आपको ये मशीन भी चार्ज करना पड़ेगा। बिल्कुल इजी टू यूज है, आप देख सकते हैं फेरस एंड नॉन फेरस का फंक्शन आपके स्क्रीन पर शो हो रहा है। और ये होता है दोस्तों जो है ग्राउंड बैलेंसिंग करने का, आप ग्राउंड बैलेंस सेट कर सकते हैं, प्लस माइनस होता है, ये जो है आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं साउंड वगैरह, सेंसिटिविटी वगैरह, ठीक है दोस्तों। तो जैसे कि मेरे पास अभी कुछ मेटल्स हैं, जैसे ये हमारे पास ये 5 रुपए का सिक्का है, ठीक है, ये देख रहे हैं। अभी जो है अगर मैं इस वाले मोड पे, ऊपर वाले मोड पे, जिस पे जो है ज्वेलरी भी शो कर रहा है और कील चम्मच वगैरह जो भी सारे सब कुछ है, ठीक है, अगर कोई भी मेटल रहेगा जब तक जो है मशीन को हटाएंगे नहीं तब तक जो है साउंड करता ही रहेगा, ठीक है। देखिए जैसे मैं मेटल आ गया, ठीक, साउंड कर रहे हैं, जब तक हटाएंगे नहीं उस जगह से तब तक मशीन जो है साउंड करता ही रहेगा, चाहे जो भी मेटल हो, ठीक है। जैसे मेरे पास ये है प्लास है जो कि लोहे का है, इसको लगाते हैं, ठीक है, ये देखिए जितना नजदीक मेटल होगा उतना ये फुल हो जाएगा, अगर दूर रहेगा जैसे कि ये देखिए अभी ये दूर है, ठीक है, 1 फुट तक कम से कम, मैं तो जो है इसे 1.5 फुट तक जो है सर सर्च कर रहा है, ठीक है। जैसे जैसे नजदीक होता जाएगा, नजदीक हो रहा है, आवाज साउंड जो है चेंज हो रहा है दोस्तों, और ये देखिए फुल हो जा रहा है, ठीक है। तो इससे हम गहराई का भी पता लगा सकते हैं। ये तो हो गया जो कि आप ऑल मेटल के फंक्शन पे यूज कर रहे थे। अब जो है दोस्तों, अब मैं इसी को क्या करता हूँ, एम बटन है यहाँ पर, इसको जो है कर दूंगा, एम पर क्लिक कर दूंगा, तो ये जो है डिस्क्रिमिनेशन मोड पे हो जाता है, ठीक है। अब जैसे देखिए आयरन है, ठीक है, आयरन पे देखिए इस साइड सिग्नल आ रहा है, और ट्यूनिंग वाइज देखिए ट्यून भी चेंज हो गया है। अब मैं जो है ये तांबा है मेरे पास, नॉन फेरस आइटम इस साइड शो कर रहे हैं, ठीक है, ये देखिए ट्यून भी जो है चेंज है, और नॉन फेरस का सिग्नल भी अलग आ रहा है। बैटरी के देखिए कितना परसेंट चार्ज है बैटरी, वो भी शो कर रहा है दोस्तों। बाकी कोई भी खास फंक्शन है ही इसमें नहीं, ठीक है। प्लस माइनस देखिए मैं माइनस कर रहा हूँ, ठीक है, ये होता है ग्राउंड बैलेंसिंग का, सेंसिटिविटी जिसे हम बोलते हैं सेंसिटिविटी बढ़ा दीजिए, ठीक है, वो चीज है। देखिए माइनस प्लस कर रहा हूँ, कम हो रहा है, ठीक है, बढ़ा दूंगा तो फुल हो जाएगा। इस साइड साउंड का है, साउंड का देखिए मैं माइनस कर रहा हूँ, ठीक है, साउंड कम हो गया, प्लस करूंगा तो साउंड जो है बढ़ जाएगा, ठीक है। बस इसके अलावा और इसमें कोई खास फंक्शन है ही नहीं। तो दोस्तों आपने देखा बिल्कुल कितना इजी टू यूज मशीन है। अब मैं इसका आपको दिखाता हूँ एयर टेस्टिंग का, कि ये छोटे छोटे मेटल को कितने दूर तक कैच कर रहा है, ठीक है। और दोस्तों आप वीडियो में बने रहिए, अगर आप जो है हमारे यूट्यूब चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए,
वीडियो आपको अच्छी लगे तो आप लाइक कर दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, अब मैं जो है आपको एयर टेस्टिंग का इसका वीडियो आपको दिखाता हूँ, तो वीडियो को लास्ट तक आप जरूर देखिएगा। हाँ तो दोस्तों, अब मैं जो है आपको एयर टेस्टिंग का आपको दिखा देता हूँ कि छोटे छोटे मैटर को कितनी दूर तक कैच कर रहा है दोस्तों। और दोस्तों मैं आप लोगों को याद दिलाना चाहता हूँ कि कोई भी मेटल डिटेक्टर की जो भी मशीनें होती हैं वो जो है जमीन के अंदर के मेटलों के लिए जो है बनी होती हैं। वो जमीन के अंदर ही जो है ज्यादा गहराई तक जो है मेटल को कैच करता है, ना कि एयर में, क्योंकि दोस्तों एयर में जो है मैग्नेटिक फील्ड नहीं बन पाती है। ठीक है, तो इसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो जो जमीन के अंदर मेटल होता है, मतलब कि काफी सालों से जो है जमीन के अंदर दबा होता है, तो वो कंडक्टेड आइटम बन जाता है, मैग्नेटिक फील्ड बन जाती है। तो उस मेटल को जो है मशीन कोई भी हो ज्यादा गहराई तक कैच करती है एयर के मुकाबले। तो दोस्तों आप देख सकते हैं अभी मेरे पास जो है कुछ मेटल्स हैं, जैसे कि मैंने जो है ये 5 रुपए का सिक्का है, ये 100 ग्राम का बाट है, और ये जो है दोस्तों ये तांबे का प्लेट है छोटा सा, ये इससे थोड़ा बड़ा है, और ये पीतल का है। ठीक है दोस्तों, तो हम देखते हैं दोस्तों कि जो है छोटे छोटे मेटल को कितने दूर तक कैच करता है एयर में। ठीक है, ये आप देख सकते हैं दोस्तों, जैसे कि 5 रुपए का सिक्का है मेरे पास, इसको देखिए। ठीक है, जब तक मैं जो है सिक्के को हटाऊंगा नहीं तब तक जो है मशीन आवाज करता रहेगा, देखिए। ठीक है, आवाज कर रहा है। ठीक है, 5 रुपए का सबसे छोटा सिक्का है, उससे बड़ा देखिए दोस्तों, ये देखिए, है ना, डिस्टेंस थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा है, आप देख सकते हैं, इससे बड़ा ये है, ये देखिए, और ये उससे थोड़ा सा बड़ा है ये। ठीक है, और ये सबसे बड़ा है। जब तक जो है मेटल को हटाएंगे नहीं तब तक जो है साउंड करता रहेगा। ठीक है, ये देख सकते हैं आप। अब मैं जो है दोस्तों इसके दूसरे मोड पे यूज करके आपको दिखाता हूँ कि उसमें कितने दूर तक कैच करता है। अब देखिए दोस्तों, ये 5 रुपए का सिक्का है, ठीक है, 1 फीट तक कैच कर रहा है इसे, उससे थोड़ा बड़ा है जो 100 ग्राम का वर्ड है, ये भी ये जो है 1 फीट तक कैच कर रहे हैं, थोड़ा इससे बड़ा मेटल है, ये आप देख रहे हैं डिस्टेंस से कैसे बढ़ता जा रहा है। ठीक है, ये जो है उससे थोड़ा बड़ा है, यहां तक कैच कर रहे हैं, और ये दोस्तों ये सबसे बड़ा है, ये देखिए 1 मीटर तक जो है सर्च कर रहा है। ठीक है, तो दोस्तों आपने देखा, आशा करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। दोस्तों अगर आप जो है ये मशीन खरीदना चाहते हैं या कोई दूसरी मशीन खरीदना चाहते हैं तो दोस्तों मेरे पास हमेशा स्टॉक में रहती है, और जो मशीन स्टॉक में नहीं रहता हूँ वो जो है मैं ऑर्डर पे मंगाता हूँ। तो दोस्तों अगर आप जो है मशीन परचेज करना चाहते हैं मेटल डिटेक्टर की, तो जो है दोस्तों हमारा नंबर जो है आपके स्क्रीन पे शो हो रहा है, आप मुझे कॉल कर सकते हैं। तो चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में कुछ नया लेकर के आते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू, बाय।